चाहो अगर आपको एक बार नहीं 8 या 9 बार वोट डालने का मौका मिले तो। हालांकि वोट आप एक बार ही दे सकते हैं, लेकिन एटा का ये मामला आपको चौंका कर रख देगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार दिया पोलिंग बूथ पर वोट, फिर बनाया वीडियो और सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सुनकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन ऐसा ही एक मामला यूपी के एटा से सामने आया है। यूपी के एटा में एक शख्स ने तीसरे चरण में हुए मतदान में एक ही बूथ पर 8 बार मतदान किया। इतना ही नहीं, उसने हर बार का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने बताया कि उक्त युवक को अरेस्ट किया जा चुका है। मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित किया गया है और वहां दोबारा वोटिंग कराने की सिफारिश की गई है। एटा में 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान हुआ था। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में इस युवक ने हर बार मतदान को रिकॉर्ड किया है। वो कमल के निशान के आगे बटन दबाता दिख रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि 8-8 बार एक ही लड़का वोट डाल रहा है, सारा वोट इसमें भाजपा को दिया गया है। एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है तो एक ही लड़का 8 वोट कैसे डाल दिया, ये तो सिर्फ एक वीडियो है। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं जो सामने नहीं आ पाई। क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, खुलकर जमकर भाजपा के पक्ष में बेईमानी करवा रहा है। इस सब की जांच होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए। सच्चाई छिपाई नहीं छिपेगी, बेईमानी का जवाब सख्त कानूनी कार्यवाही होगी, ये चुनाव आयोग भी जान ले। वायरल वीडियो फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 343 खिरिया पमरान का बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने एटा जिले के नयागांव थाने में इस मामले की FIR दर्ज कराई। वीडियो में दिख रहे युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।